नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम वन शेयर एकेडमी। आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचना है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन, एफडी में नकद जमा 10 लाख से ज़्यादा की एफडी यदि आप करवाते हैं बैंक में तो वो बैंक की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा। दूसरा, नंबर टू, बैंक खातों में आपने 10 लाख से ज़्यादा की नकद जमा की तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देगा। नंबर थ्री, संपत्ति की लेन देन में दोस्तों यदि रजिस्ट्रार में आपने 3 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट किया है तो संपत्ति के लेन देन में 30 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट में आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। नंबर फोर, शेयर म्यूचुअल फंड और डिबेंचर और बॉन्ड की खरीदारी में आपने यदि एक साथ 10 लाख रुपए की ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो ब्रोकर की साइड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और फाइव दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से आपने 10 लाख से ज़्यादा की भुगतान की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो यदि दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचना है तो नए साल में नए रूल्स के मुताबिक आपको इन पांच बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।